देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि ये पेंट एप्लीकेशन जो हमने अभी तक बनाया वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और अब अगर हम इसमें काफ़ी कुछ ना भी ऐड करें तो भी ये बहुत बेटर है। मतलब मेरे हिसाब से हमें हमारे पास सब कुछ है, हम चीज़ें लिख सकते हैं, देन हम कलर चेंज कर सकते हैं, हम पूरे स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम स्ट्रोक साइज को चेंज करके भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैक कलर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पास इरेजर है, हम इरेजर से चीज़ों को ड्रॉ इरेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने हेल्प सेटिंग जैसे चीज़ें भी ऐड की थी, हम इमेज को सेव कर सकते हैं। और तो और, अगर हमें कोई चीज़ ऐड कर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम वो चीज़ यहाँ पे लिख के, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है पाइथन, तो मैं यहाँ पाइथन लिख के अगर ऐसे क्लिक करूँ तो हम पाइथन भी लिख पाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं लगभग यार, बहुत ही सही तरीके से वर्क कर रहा है। और मुझे लगता है कि अब जो प्रॉब्लम है वो है ये फ्री स्पेस। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं बताता हूँ कि हम यहाँ पे ऐड करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं एक टेक्स्ट एरिया जहाँ पे हम बेसिकली कुछ भी लिख पाएंगे, राइट। हो सकता है कि हमें बड़ी चीज़ कैनवास में लिखनी हो, या फिर हमें टू डू लिस्ट लिखना हो अपने ही पेंट एप्लीकेशन में, राइट साइड में कुछ हम भूल ना जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। जल्दी से काम करते हैं, हम नीचे आएंगे और लास्ट फ्रेम देखेंगे। लास्ट फ्रेम है हमारा टेक्स्ट फ्रेम। इस पूरी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बस थोड़े चेंजेस लाएंगे हम। तो ये टेक्स्ट फ्रेम है, यहाँ पे हम मे बी हम लिख देंगे नोट फ्रेम, क्योंकि हम यहाँ पे नोट लेंगे, और इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा नोट फ्रेम एज इट इज, राइट। तो यहाँ पे नोट फ्रेम लिखने के बाद बेसिकली बाकी सब कुछ तो मैं सेम रखना ही चाहूँगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं कॉलम को जो है वो 7 कर दूंगा। एंड उसके बाद कॉलम यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, ओके यार। तो यहाँ पे मैं कॉलम को 7 कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ही चीज़ ऐड करूंगा, वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब हमारे पास एक बड़ा सा टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा जहाँ पे हम चीज़ें लिख पाएंगे। मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूंगा। और तो और, यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद मैं बाकी सब कुछ सेम रखूंगा, राइट। तो इन चीज़ों को मैं हटा के देखता हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स। ओके, तो इसने काफ़ी ज़्यादा जगह ले लिया है। वेल, मुझे लगता है कि मैंने गलत जगह पे चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, शायद मुझे रो ओके नोट फ्रेम में कॉलम 7 ऐसा क्यों हो रहा है ये, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये इस जगह पे ऐड हो गया है क्योंकि मैंने फ्रेम शायद चेंज नहीं किया। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम के बजाय मुझे यहाँ पे नोट फ्रेम लिखना चाहिए। ओके, नाउ अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो अब ये यहाँ पे है। वेल, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे हाइट दूंगा, और हाइट को मैं थोड़ा कम ही रखूंगा, लिखूंगा हाइट शुड बी लेट्स से ओनली 10। और 10 लिखने के बाद अगर मैं रन करूँ तो अब ज़्यादा बेटर है यार, लेकिन और कम होनी चाहिए। 5 5 करके देखते हैं, अगर मैं 5 करूँ तो भी अच्छा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ रहा है एट दी एंड। तो यहाँ पे हम 4 पे बात मान लेते हैं, हम यहाँ पे हाइट इसकी 4 कर देंगे। एट द सेम टाइम विड्थ को मैं डबल कर दूंगा और यहाँ पे 40 लिख दूंगा। इन दोनों चीज़ों को हटा दूंगा, और हटाने के बाद अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। मतलब ऐसा है कि जैसे कि अगर मैं मान लो एप्पल लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एप्पल, और अगर अपने स्क्रॉल व्हील को क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं एप्पल लिख सकता हूँ, फिर चीज़ें ड्रॉ कर सकता हूँ एप्पल। देन मे बी लाइक मैं यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर सकता हूँ, और ट्री ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई कर सकता हूँ स्ट्रोक साइज चेंज करके। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये। और अगर मुझे ब्राउन कलर चाहिए, मैं यहाँ से स्पेसिफिकली ब्राउन कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंड देन ओके कर सकता हूँ, और देन यहाँ पे ब्राउन कलर से यहाँ चीज़ें डाल सकता हूँ। और आप देख सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट कलर से चीज़ें लेंगे प्रीवियस वैल्यूज़ को याद रखता है। और अब मान लो मुझे कोई बड़ी चीज़ लिखनी हो, जैसे मान लो मुझे टू डू, मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए लिखना, जैसे कि मैं लिख दूंगा क्रिएट ट्री ड्रॉ एप्पल, देन क्रिएट एरोज शेयर विथ स्टूडेंट्स। मान लो ये टू डू है, मैंने लिख दिया साइड में, अच्छी चीज़ है। मान लो भूल ना जाऊँ इम्पॉर्टेंट, अब मैंने इतना चीज़ें लिख दिया तो मुझे याद रहेगा क्योंकि एक टू डू लिस्ट जैसा काम करेगा। और मैं कितनी भी चीज़ें लिख सकता हूँ यहाँ पे। एक और फायदा इसका ये है कि यहाँ पे एक बार मैंने ये चीज़ें कर दी तो मैं यहाँ जल्दी से कॉपी कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे पेस्ट करके मैं कहीं भी करूंगा तो मैंने पूरी चीज़ यहाँ पे लिख दी, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वो कर रहा है। तो वेल, आप हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं कि हमें कितना बड़ा फॉन्ट चाहिए। मे बी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा बटन बना दें कि इम्पोर्ट फ्रॉम
दिस टेक्स्ट फील्ड और लाइक मे बी लाइक नोट पैड, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ पे चीज़ों को इंपोर्ट कर सकें, हमें मैनुअली कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ पे आइडियाज़ लेके आएँ, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने काफ़ी कुछ वैसे भी कर लिया है। मेरे मन में भी कुछ आइडियाज़ हैं, बट अब मैं उसे यहाँ पे विश्राम देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करें और बताएं कि हम इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सब कुछ एकदम बेटर है। सेव का ऑप्शन तक दे दिया हमने, हम अबाउट अस हमने डाल दिया, हमने हेल्प डाल दिया। बल एक और चीज़ यहाँ करना चाहेंगे वो ये है कि यहाँ पे हम जल्दी से ऐड कर देंगे इसके बारे में कि हम टेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो दो चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग है और लोगों को पता नहीं चलती, मैं जल्दी से वो चीज़ करना चाहूँगा, तो वो हमारे हेल्प कमांड में आ जाएगा। तो जल्दी से मैं हेल्प कमांड में जाता हूँ, और हेल्प कमांड के अंदर ना एक एक वेरिएबल बना दूंगा मैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। सो हेल्प टेक्स्ट इक्वल्स, और यहीं पे मैं ये पूरी चीज़ें लिख दूंगा। तो यहाँ पे वन इज फॉर दिस, दिस इज़ फॉर दिस, और वेट मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा, वन जो है वहाँ पे लिख दूंगा ड्रैग बाई होल्डिंग, ड्रैग बाई होल्डिंग यू होल्डिंग राइट बटन ऑफ माउस टू क्रिएट डॉटेड लाइंस। ये मुझे लगता है पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है वो ये है, क्लिक स्क्रॉल व्हील टू पुट टेक्स्ट ऑन कैनवास, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है, वो ये है कि हम बेसिकली अभी के लिए मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, और अगर आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली मुझे बताना, उस चीज़ को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइनली 3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली, लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स। मैं और हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेल्प टेक्स्ट, तो यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट हो गया, और अब मैं इसे रन करूँगा। एंड फाइनली आप देख सकते हैं हमारे ये पेंट एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर मैं हेल्प पे क्लिक करूँ तो हमें ये सारे हेल्प के इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। सो ड्रॉ बाई होल्डिंग राइट बटन ऑफ माउस टू क्रिएट डॉटेड लाइन्स। वेल अगर मैं वो ट्राई करूँ तो मैं डॉटेड लाइन्स बना पा रहा हूँ, मैं साइज़ को इंक्रीज कर सकता हूँ फॉर श्योर, और डॉटेड लाइन्स बन रही हैं यार। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आपको लिंक मिल जाएगी, गिटहब रिपोजिटरी मिल जाएगा, जहाँ से आप ये प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इसमें और क्या चेंजेस ला सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको आपके आप सभी के आइडियाज़ को लूंगा और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। और इसके ये प्रोजेक्ट सिर्फ यहाँ एंड नहीं होता, मैं आपको बता दूँ इसकी सीरीज अभी भी कंटिन्यू होगी, जहाँ पे हम इसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे और इसे वन ऑफ द बेस्ट पेंट एप्लीकेशंस बनाएंगे, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि ये बनने के बाद मैं आपको ऐसा भी लिंक शेयर कर सकूं जहां से आप डायरेक्टली exe फाइल डाउनलोड कर सकें, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, उम्मीद है आपको इस पूरे पेंट एप्लीकेशन को बनाने में मजा आया होगा, और साथ ही साथ आप कुछ अमेजिंग आइडियाज के साथ आएंगे जिसे हम इसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकें और अच्छी बात है, उसके बाद मुझे बताएं, या फिर आप सजेस्ट करें तो मैं उसे इम्प्लीमेंट जरूर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।